जो आए हैं अपनी स्पेशल आज गवाही देख के देने के लिए, हाँ यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ, और इस गवाही में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इनकी गवाही से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है, हाँ, और कैसे परमेश्वर काम करता है, हाँ, कैसे हर एक के जीवन में वो अपनी गवाही को बनाता है, हाँ, समझ रहे हो? यहाँ पे ओके जी, परमेश्वर आपको बरकत दे, यहीं पे खड़े हो जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे कि आप, हाँ, तो क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम? तरसेम कौर। तरसेम कौर है, हाँ, वीरका से, हाँ, आप। और इन्होंने अपनी गवाही को लिखाया है कि ये सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है, हाँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले सब कुछ जो जो इनके साथ होता था। तो इन्होंने लिखवाया है कि 35 साल से ये बीमार थे और इनकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहती थी और अपने घर का ये कोई भी काम नहीं कर सकते थे और ये बेड पर रहते थे, हाँ। 35 साल से बीमारी थी और 6 महीने से ये बिल्कुल बेड पे थे, हाँ, क्या थे? 6 महीने से तो बिल्कुल बेड पे थे। और आगे लिखा कि इनकी बीमारी के कारण ये अपने जो कपड़े अपने आप बदल नहीं सकते थे, क्या करते थे? अपने आप अपने कपड़े जो बदल नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो बॉडी है, इनके जो हाथ पैर है, काम नहीं करते थे, हाँ, ऐसे ही था ना, क्योंकि उनमें दर्द रहती थी, है ना, हाँ, जिसकी वजह से ये अपने आप कपड़े पहन नहीं सकते थे, बदल नहीं सकते थे, हाँ, हाँ जी। और 3 साल से ये चर्च जा रहे थे, फिर भी ये प्रॉब्लम से अच्छे नहीं हुए। फिर उन्होंने इस बीमारी के लिए 4 चर्च बदल दिए, अलग अलग चर्च में गए और अलग अलग पास्टरों से मिले और अपनी प्रॉब्लम को बताया कि जैसे भी उन्होंने बताया इन्होंने वैसे किया होगा, हाँ, मुझे अभी सारा कुछ तो नहीं पता उन्होंने क्या बताया होगा, हाँ, पर ये 4 चर्च में गए और पास्टरों को मिले और अपनी प्रॉब्लम बताई होगी कि ये मेरे साथ होता, पर 4 चर्च जाने के बाद भी इनकी प्रॉब्लम गई नहीं, क्योंकि इनको कोई अच्छे से गाइड करने वाला, सिखाने वाला मिला नहीं। वैसा लिखा, फिर ये सिस्टर उस बीमारी से तंग आकर, परेशान होकर, यीशु को छोड़कर ये तांत्रिक बाबों और सियानों के पास गई, हाँ, क्योंकि जब किसी इंसान के जीवन में प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, हाँ, क्या होता है, समझते हो? तो जिसकी वजह से फिर इन्होंने यीशु को छोड़ दिया और तांत्रिक बाबों के पास गए, और उन्होंने किसी ने 7,000, 6,000, 10,000 मांगे, हाँ, इनके जीवन को अच्छा करने के लिए अलग अलग बाबों के पास गए, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 10 मांगे और इन्होंने दिए कि कैसे ना कैसे करके मेरा जीवन अच्छा हो जाए, क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। और इन्होंने इस चीज से अच्छाई, चंगा होने के लिए जे अलग अलग जगह पर भी गए, अलग अलग स्थान पे गए, हाँ, ये भी इन्होंने लिखाया। और लिखा फिर इनको जैसे सांपों के सपने आते थे और इन्होंने बहुत सी मेडिसिन खाई, पर मेडिसिन खाने से भी इनके जीवन में कोई भी जरा सा भी कुछ भी आराम ना मिला। फिर ये वेरके से सिविल हॉस्पिटल से भी मेडिसिन खा रहे थे लगातार। और फिर ये इन्होंने, सिस्टर ने इन्हीं बीमारी के दरमियान ही इन्हें, इनके पेट में पत्थरीय रसौली होगी जिसका ऑपरेट भी हुआ, हाँ, इसी बीमारी के चलते चलते ये 35 साल में सब कुछ होने के बावजूद इनके पेट में पत्थरियां और साथ में रसौलियां आ गई, हाँ, जिसका ऑपरेट हुआ और उसका भी 20,000 रुपया लगा। फिर और 20,000 से लिखा के अलग से मेडिसिन के पैसे अलग लगे,
और फिर इनको गुड न्यूज मिली और इस चर्च इस मिनिस्ट्री के बारे पता लगा। और ये जब आए क्या आए, और जब इन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध को और एक पॉजिटिव नियम को जाना और सीखा और समझा। हाँ, जैसे हम बताते हैं कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर सब कुछ विश्वास करने वालों के लिए कर चुका है। आमेन। क्या कर चुका है? आज से 2000 साल पहले जितने भी लोग आज बीमार हैं, तकलीफ में हैं, हालातों में हैं, उनके लिए परमेश्वर सब कुछ कर चुका है। क्या कर चुका है? सब कुछ कर चुका है। और जैसे ही इस नियम को, पॉजिटिव नियम को और परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध को जब इन्होंने सीखा और समझा, हाँ, और जब जी पहली बार जब आए तो कैसे पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया। और जब जी बैठे हुए थे, जब पहली बार आए और ये अपना बिस्तर लेकर आए थे साथ में, क्योंकि ये मतलब थोड़ा समय भी ये बैठ नहीं सकते थे, तो तब का हम उस समय जब ये आए थे पहली बार, हम उस क्लिप को सबसे पहले देखेंगे कि कैसे खुदा ने, उसके आत्मा ने उन्हें फ्री किया इन्हें। हाँ, तो उस क्लिप को देखेंगे सबसे पहले हम। तो आज वो होने वाला जो लोग नहीं, उठो उठो, आपके दुख सारे यीशु ने आपके ऊपर ले लिए हैं। उठाओ इन्हें, थोड़ा सा उठाओ आज। मैं घोषणा करता हूं, आप रिसीव करो आपके लिए। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, अपनी आंखें भरकर देखो मेरी तरफ। पूरी आपकी आंख मेरी तरफ होनी चाहिए, मेरी आंखों में देखो, देखो देखो मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। चल चल अंधकार की शक्ति, चल यीशु के नाम से शैतान, चल छोड़ उसे, छोड़। मैं तुझे आदेश देता हूं यीशु के नाम से, उखड़ इसके जीवन से बीमारी, चल। मैं आदेश करता हूं यीशु के नाम से, तुझे उखड़ राइट नाउ, इसी समय मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, चल शैतान, चल छोड़ उसकी बॉडी को, और चल चल निकल निकल निकल, चल यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं खुदा का दास होने के नाते तुझे जड़ से इसके जीवन से उखाड़ता हूं आज, चल पूरी तरह से छोड़, चल शैतानास, चल जो तूने इसे पकड़ा, इसे जकड़ा, चल उखड़ यीशु के नाम से, चल पूरी रीति से उखड़। आज तेरा काम खत्म है यहां पे, ये उसकी जीवत हजूरी है, यहां पे तेरा कोई काम नहीं है। चल चल चीख और चला, चल जहां से तू आया, जिस किसी ने तुझे भेजा शैतान, चला, चल यीशु के नाम से, चल चल उखड़ 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 उसके जीवन से, चल निकल निकल यीशु के नाम से, चल निकल पूरी तरह से, छोड़ उसे, छोड़ 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 छोड़, चल जहां से भी तू शैतान आया, जिस किसी ने भी तुझे भेजा, जहां किसी ने तुझे खिलाया, चल चल उखड़ यीशु के नाम से, उखड़ उखड़ यीशु के नाम से, चल आउट 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 आउट, चल पूरी तरह से तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं इसकी बॉडी से आज, चल पूरी तरह से तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं इसकी बॉडी से शैतान, आउट यीशु के नाम से तुझे आदेश करता हूं, चल निकल पूरी तरह से, छोड़ 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 छोड़, आउट, फ्री फ्री।
कैसे जब जे पहली बार आए और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की और कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया जे 35 साल की बीमारी से, कैसे 35 साल की बीमारी से कैसे परमेश्वर ने डिलीवर किया और ये छह महीने पहले ये बिल्कुल पूरे बेड पे थे, पूरे बेड पे रहते थे, कुछ भी कोई काम नहीं, इतनी ज्यादा इनकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। समझ आ रही है? और मैं एक चीज बताना चाहता हूं इस गवाही से आपको, जो लोग इस गवाही को अभी देख रहे हैं या बाद में देखें, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये 3 साल से ये प्रभु पर विश्वास करते थे, 3 साल तक ये विश्वास करते रहे और 3 साल बाद तो इन्होंने 4 चर्च, कितने 4 चर्च जे अलग अलग अपनी बीमारी के लिए गए, पर फिर भी ये अपनी प्रॉब्लम से अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया और फिर तांत्रिक बाबों के पास गए और उन्हें जितने किसी ने पैसे मांगे और दिए। बोलो क्या है इसका कारण? मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा किसके बिना नाश हो रही है? ज्ञान बिना। किसके बिना नाश हो रही है? ज्ञान बिना। और जब तक हमें उसका ज्ञान समझ नहीं आएगा कि उसने हमारे लिए क्या किया और हमने क्या करना है, हमने कैसे विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें क्या करे, हमारी इस प्रॉब्लम से क्या करे, हमें आजाद करे और अच्छा करे, हा? क्या करें? जैसे बाइबल में गलातियों 5:1 में लिखा है कि उसने हमें आजादी के लिए क्या किया, आजाद किया। क्या किया हमें? मसीह ने हमें उस पाप की गुलामी से क्या किया, आजाद किया ना कि। और जब तक ये लोगों को समझ नहीं आएंगे कि उसने हमारे लिए क्या किया, यीशु क्यों क्रूस पर मरा, क्यों वो मुर्दों में से जी उठा, जब तक ये बात हमारे माइंड में हमारे दिमाग में बैठेगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? काम नहीं होगा। समझ रहे हो? और जैसे खुदा ने उस दिन उसके आत्मा ने इन्हें डिलीवर किया और उसके बाद हमने इन्हें गाइड किया। मेन चीज क्या है? हमने गाइड किया तुरंत। परमेश्वर ने जैसे फ्री कर दिया दुष्टात्मा, तो जिस दुष्टात्मा ने इन्हें 35 साल से जकड़ा हुआ था उसी दिन वो दुष्टात्मा चला गया। क्या चला गया? पर हमने उसके बाद इन्हें गाइड किया, समझाया कि कौन कौन से नियम अपने मानने हैं, कैसे खुदा के साथ बने रहना, क्योंकि बाइबल में लिखा जिस मसीह ने तुम्हें आजाद किया उस आजादी में स्थिर रहना, ऐसा ना हो कि गुलामी के जुए के नीचे फिर से दोबारा आ जाना। हा? क्या आ जाना? दोबारा आ जाना। जैसे हमने टीच किया आज पूरी तरह उस 35 साल की बीमारी से फ्री हैं। क्या है? 35 साल की बीमारी से फ्री हैं। अभी इनके जो अंग हैं पूरे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उठाओ लोगों को अपने बाजू ऊपर करके दिखाओ, दोनों दिखाओ, दिखाओ पूरे दिखाओ, क्योंकि ये सुनो ये जो अभी हिलाओ हिलाओ हाथ ऊपर करके इनके, हाँ जब से आए थे तो ये इनके जो बाजू है यहां से ऊपर नहीं जाते थे। कहां से? मेरे हाथ, मेरी मेरे हाथ को देखो, यहां से ऊपर नहीं जाते थे। इसीलिए लिखा ना अभी मैंने बताया कि ये अपने कपड़े तक भी बदल नहीं सकते थे, क्योंकि इनके हाथ पूरी बॉडी जकड़ी जा चुकी थी और इनके हाथ यहीं पर रहते थे, हाँ इससे ऊपर नहीं आते थे। अभी देखो अब सब अपना काम धंधा कर रहे हैं, हाँ और खुशी से आज, हाँ हाँ अच्छा उनके हस्बैंड भी आए हैं, हाँ ठीक है, जय मसीह के, जय मसीह के। हाँ आप भी बताना चाहते हो कुछ? हाँ क्या बताना चाहते हो आप? खुश हो? सबसे पहले आप बहुत खुश हो गए, हाँ कि इतनी बहुत खुश है। मेनु कोई मैच नहीं है बजना वा नहीं बजना। हाँ देखो मैं इन्ना बहुत परेशान हो गया हाँ, जा मैं कहना भी जा मेनु रब मार दे जा इनू मार दे। रात 2-3 महीने बहुत परेशानी, बहुत बहुत मुश्किल कटी है इन्होंने। जिस दिन मैं मेरे लड़के ने कहा भी उन्हें बताया भी तुम मुदला चल जाओ,
ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹੈ ਸੰਤ ਵਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹਨੇ ਰਖਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦਣ ਹੀ ਆਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸ਼ ਭੰਮਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਸੀ ਭਵਨ ਮੇ ਰਹੇਂਗੇ ਅਭੀ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜੈਸਾ ਇਹਨੇ ਹਮਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਆ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਜ ਇਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਇਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੂਸ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋ ਸਹਾ ਹਾਂ ਕਾਂਟੋ ਕਾ ਤਾਸ ਸਿਰ ਮੇ ਡਾਲਾ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇ ਲੈ ਲੀਏ ਹਮੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਮਨੇ ਇਹਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਇਸੀ ਲੀਏ ਜੇ ਆਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਬਸ ਇਸੀ ਭਵਨ ਮੇ ਰਹਿ ਕਰ ਕਿਸਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਲੀਏ ਸੱਚ ਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿਆ ਛੋੜ ਦਿਆ ਥਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹਮਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਬ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਔਰ ਆਜ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਉਨਕਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਹੀ ਉਸਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ